तो फ्रेंड आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी छोले की रेसिपी। छोले इसको चना मसाला भी बोलते हैं। ये आज मैं शादी वाले यानी कि हलवाई स्टाइल छोले की रेसिपी शेयर करूंगी। छोले तो आपने कई बार खाए होंगे, इस तरीके से नहीं बनाए होंगे। यहाँ पर आप देखिए इसकी रंगत देखिए, इसको देखकर ना आपके मुँह में पानी आ रहा होगा। तो ये रेसिपी घर पर बना सकते हैं आप। घर पर इतने गाढ़े, इतने टेस्टी, इतने लटपटे और एकदम मसालेदार छोले की रेसिपी चलिए बनाना शुरू करते हैं। इधर हमने एक कटोरी भरकर छोले लिए थे, इनको हमने ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे गर्म पानी में 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख सकते हो, अच्छे से फूल जाएंगे। इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे अभी। उसके बाद इधर हमने प्रेशर कुकर ले लिया है, इसमें हम पानी निकाल देंगे। पानी निकालने के बाद जो छोले थे इनको हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। उसके बाद आधा चम्मच इसमें नमक डाल देंगे और पानी इतना डालेंगे ताकि छोले अच्छे से भीग जाए। इनको नमक के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी मिक्स करने के बाद इसको हम लिड लगा देंगे और गैस को मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। और मीडियम फ्लेम पे करके हमें 5 से 6 सीटी आने तक इसे अच्छे से हमें पका लेना है। इधर 5 से 6 सीटी आ गई हैं, अच्छे से बॉयल हो गए हैं। इनको लिड को हटा के चेक कर लेते हैं, अच्छे से मैश करके देख लेते हैं। बहुत अच्छे से मैश हो रहे हैं, छोले हमारे अच्छे से पक चुके हैं। अभी इधर हमने कढ़ाई ले ली है, 1 चम्मच भरकर ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके बाद डालेंगे इसमें 1 चम्मच जीरा, जीरे को अच्छे से चटकने देंगे। उसके बाद डालेंगे 1 प्याज, हमने मीडियम साइज का मिक्सी से पीस लिया था, इसको डाल देंगे अभी। उसके बाद डालेंगे इधर हमने अदरक का पेस्ट लिया है 1 चम्मच, इसको मिक्स करके अच्छे से प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इनको हमें पका लेना है। प्याज हमारे अच्छे से पक चुके हैं। उसके बाद हम 2 से 3 ग्रीन चिली डालेंगे बारीक कटी हुई। उसके बाद इधर हमने लहसुन कुटा हुआ लिया है 1 चम्मच, इसको डाल के इसको भी अच्छे से हम पका लेंगे अभी। अभी डालेंगे 2 टमाटर का हमने पेस्ट बना के रखा था मिक्सी से, इसको डाल देंगे अभी। उसके बाद डालेंगे कुछ मसाले, रेड चिली पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। उसके बाद डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। उसके बाद डालेंगे 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, कसूरी मेथी डाल देंगे 1 चम्मच। उसके बाद डालेंगे सौंफ का पाउडर। उसके बाद डालेंगे काला नमक। उसके बाद डालेंगे किचन किंग मसाला, ये सीक्रेट मसाला है, इससे छोले बहुत टेस्टी बनने वाले हैं, बहुत ही अच्छी। उसका आमचूर पाउडर डाल देंगे 1/2 चम्मच। सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करके हमें पका लेना है कि बहुत अच्छी रंगत आएगी छोले में और बहुत टेस्टी बनने वाले, एकदम हलवाई स्टाइल बनने वाले हैं छोले। सारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं। उसके बाद डालेंगे हम 1 ग्लास भरकर इसमें पानी और मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और बॉयल आने तक इसे हमें पका लेना है। ये पानी में अच्छे से बॉयल आ गया है, अभी थोड़ा सा पानी कम लग रहा था तो 1/2 ग्लास पानी और डाल देंगे और अच्छे से इसको हमें बॉयल आने तक पका लेना। उसके बाद हमें छोले डाल देने जो हमने बॉयल करके रखे थे। इसको हमें मसाले के साथ छोले को अच्छे से मिक्स कर देना। अभी गैस को हमें हाई पे रखना है थोड़ा सा। उसके बाद गैस को मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और इसको लिड लगा देंगे हमें 2 से 3 मिनट के लिए। इसे हमें लिड लगा के पका लेना है। 3 से 3 मिनट हो गए हैं, लिड को हटा देते हैं। अभी चेक कर लेते हैं छोले। छोले अभी थोड़े से पतले हैं, ज़्यादा गाढ़े नहीं हुए हैं अभी। इसको हमें इस तरीके से चेक कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा इनको मैश कर देंगे ताकि ये थोड़े से गाढ़े हो जाएंगे। 3 से 4 बार इस तरीके से हमें मैश कर देना है, गाढ़े एकदम गाढ़े हो जाएंगे। उसका फ्रेश हरा धनिया डाल देंगे बारीक कटा हुआ। 1 मिनट के लिए और हमें इनको पका लेना है। 1 मिनट हो गई है, लिड को हटा देते हैं। बहुत ही अच्छे गाढ़े हो गए हैं हमारे छोले और बहुत ही अच्छा कलर आया है। रंगत देखो कितनी अच्छी है इसकी, आपको देख ही पता चल रहा हो एकदम हलवाई स्टाइल बने हैं शादी वाले छोले। इनको हम सर्व कर लेते हैं। थोड़ा फ्रेश हरा धनिया ऊपर से डाल देंगे बारीक कटा हुआ। आपने देखा कितना झटपट से ये बन के रेडी हो गए, बहुत कम इंग्रेडिएंट में ये बनकर रेडी हो जाते हैं। आप एक बार बना के देखना, आपको सच में आपको शादी पार्टी जैसी आपको एकदम टेस्ट आने वाला है इसमें। आप इसे रोटी के साथ, राइस के साथ, पूरी के साथ, किसी के साथ इंजॉय कर सकते हो। आपको बहुत पसंद आने वाली ये रेसिपी।
अगर आपको हमारी थोड़ी सी भी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको अगली वीडियो।